जिंद पुलिस न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों मेरे राम राम भाई। मेरे पीछे आप धुआं देख सको, हम फिलहाल मौजूद है सफीदों के जो बोली गांव है उस बोली रोड पर जो एक फैक्ट्री है अनाज की और जो दवाइयां की फैक्ट्री है भाई, उसमें घनी जबरदस्त जो है आग लगी है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो आग लगी है और लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां जमा लगातार आने लग रही है, लेकिन जो आग है वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं बोली गाँव से, इन तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिए। ये देखो आसमान पूरा जो है धुएं धुआंधार हो चुका है। काम करते हो क्या आप इधर? हाँ, तो कैसे लगी आग? अरे बेलिंग मरा रहा था, उससे काम पकड़ लिया। अच्छा, उसने इतना बड़ा सारी आग उसके कारण? हाँ, 4:10 पे लगा है ये काम। अच्छा, एकदम तो सारे में लगी? सारे में, करोड़ों से ऊपर का फैल गया है। करोड़? कितनी बोरी? बोरी आप तो करोड़ों से ऊपर के बोरी थी। 2 करोड़ तक ऊपर का? हाँ, काफी नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये नाम इसका कौन सी? क्या नाम फैक्ट्री का? क्या नाम है? ए मोती, मोती कंपनी। क्या नाम है? मोती कंपनी, मोती कंपनी। अच्छा, आप भी मौके पे थे? हाँ, यही काम करते हैं। हाँ, हम भी काम करते हैं। यहाँ बंदे तो बहुत हैं। कितने बंदे काम करते हैं यहाँ पे? अंदाज से कम नहीं, हाँ 5-6 से ऊपर होंगे। किसी की जान मान की हाली तो हानि तो ना? ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, किसी को गया नहीं, बच गया? बच गया साहब, बच गए। पता ही नहीं चला कितने खाना आग लग गई इसमें। बिल्डिंग करते थे वो लोग, चले गए। अच्छा, बताए नहीं उसने कितने टाइम क्या हुआ। अगर पहले बता देते, पहले बता देते, पहले बता देते तो कंट्रोल हो जाती तुरंत तुरंत। बाद में पता लगा मतलब कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही के कारण ये आग लगी है। धीरे 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 फिर एकदम बहुत बढ़ गई। बुझाते रहे बाल्टियों से, आग थोड़ी ना बुझ जाएगी इतनी जल्दी लगी। तो सारा जो काम करने आए थे कहाँ के थे वो? काम करते वो पता नहीं कहाँ के थे, हम तो लोग यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ उन्हीं के कारण ये आग लगी है। बस उन्हीं के कारण लगी जी। हाँ यही बात है। तो 4:10 पे लगा है। 4:10 पे आप टाइम नोट कर रहे हैं? टाइम नोट कर रहे हैं। हाँ, अंदर ही रहते हैं, अंदर ही। किसी को जान मान की हाल नहीं था? नहीं, कोई नहीं बताया नहीं। वो भाग गया वो लोग, तो हम लोग क्या करें? सामान तो काफी जड़ गया, नुकसान तो ज्यादा हो गया। हाँ, संपत्ति बहुत जरा है। कितनी बोरी होंगी इसमें? क्या होगी? अरे बोरी तो गिनती थोड़ी किए हैं, बोरी तो बहुत ज्यादा। क्या सामान था अंदर इसमें? इसमें गेहूँ थे और बोतल आग कंपनी थे पूरा। हाँ, 40-50 हज़ार कट्टे गेहूँ थे बस। आप देख सकते हैं ये देखो तस्वीरें हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं फैक्ट्री से, जो साइड में है जो एक और फैक्ट्री है वहाँ लगातार ऊपर चढ़कर ग्रामीण जो प्रयास कर रहे ताकि उनकी भी फैक्ट्री में आग ना लग जाए। आग ने जो है भयंकर रूप धारण कर लिया ऊपर तक। उस तरफ की जो हवा चलन लग रही है, हवा के कारण कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री में भी आग लगने का जो है डर है वहाँ पे ग्रामीण। आप तस्वीरों में देख सकते हो वहाँ पे भी जो है आग ना बुझाने का काम करने लग रहा है। लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगातार यहाँ पे मौके पर पहुंच रही है, लेकिन आग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरा जो है इधर का एरिया धुआंधार हो गया, पूरा आसमान में धुआंधार हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हो, तस्वीरें ना ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर दियो। भाई जैसा कि आपने देखा यहाँ के जो मजदूर है जो लेबर है जो काम कर रहे थे भाई वह मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया भाई एक शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो यह आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इतना एकदम तो होया कि भाई एकदम तक जो आग ने नहीं पूरा बड़ा रूप धारण कर लिया। तो जो ग्रामवासी उन्होंने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन जो है प्रयास जो है उनके नाकाम रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है आग ने पूरा भयंकर रूप धारण कर लिया। मजदूरों के द्वारा जो बताया जा रहा है भाई किसी को जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन जो है नुकसान जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया है।